परिवार सुबह की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही चटपटा और बहुत ही लाजवाब ये पोहा का नाश्ता, जो कि मैंने मिक्स वेजिटेबल के साथ बनाया है। और ये घर के सामानों से ही बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। खाने में इतना चटपटा लगेगा कि इसके सामने समोसा कचौड़ी सभी फेल है और बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोहा का नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पोहा ले लिया है। ये मोटे वाले पोहे हैं, आप चाहे तो कोई भी पोहा ले सकते हैं। अब हम पोहे को अच्छे से धो लेंगे और इसका सारा पानी हम इससे छान लेंगे। पोहे को हमने अच्छे से धो लिया है, यहाँ देख सकते हैं कि सारा पानी जो एक्स्ट्रा है वो हमने निचोड़ लिया है पोहे का। और अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कप सूजी। सूजी को हम पोहे में मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के दही। ये मैंने घर के फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। अब हम दही, सूजी और पोहे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसे ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमने इसमें सूजी डाला है वो अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और सूजी यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे से फूल गया है और बैटर हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे क्योंकि एक बार में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। बैटर हमें एकदम गाढ़ा ही रखना है क्योंकि जब हम पैन में रखें तो ये फैले नहीं, एक जगह स्थिर रहे। तो बैटर को हमें गाढ़ा बिल्कुल रखना है, उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो जिस कप से हमने दही डाला था उसी कप से हमने 1/2 कप इसमें पानी डाला है और देख सकते हैं कि हमारा कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है, हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। अब हम इसमें कुछ सब्जी मिला देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 प्याज मीडियम साइज के, उसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, और थोड़े से बीन्स है वो भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, और 1 मीडियम साइज के टमाटर है। अगर इसके जगह पर आप शिमला मिर्च डालना चाहते हैं तो लाल वाले होंगे तो वो ज़रूर डालिए। और यहाँ पर 1 शिमला मिर्च को हमने इस तरह से देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और 4 से 5 हरी मिर्च है, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। सारे सब्जियों को हम इस तरह से बारीक चॉप करके ही काटेंगे और सारे सब्जियों को अब हम इसे मिश्रण में मिला लेंगे। तो देख सकते हैं कि सारे सब्जियों को हमने अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। सूखे मसाले में हमने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ज़्यादा आप तीखा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच लाल मिर्च डालिए। 1/2 चम्मच हमने डाला है इसमें काली मिर्च भुका हुआ, और 1 चम्मच हमने डाला है इसमें गरम मसाला, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारे मसाले हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे एक साइड करते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस पर। गैस ऑन करके हमने एक पैन चढ़ा दिया है, आप चाहे तो कोई भी नॉन स्टिक तवा या पैन ले सकते हैं। और पैन गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। बहुत ही कम तेल में बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनता है। बस 2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और तेल को पूरे पैन में फैला देंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे और 1 बड़ा चम्मच की मदद से इसे हम गोल सा शेप देंगे। एक बार में हम यहाँ पर 3 बना रहे हैं, आप चाहे तो 4 या 5 भी, आपके पास बड़ा तवा है तो बना सकते हैं।
तो इस तरह से गोल गोल शेप देंगे। आप चाहे तो हाथों से भी इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से हम गोल गोल टिक्की के आकार का नाश्ता तैयार कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट मीडियम आंच पर कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो पलट देते हैं। तो इसे हम सावधानी से पलटेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टूटने लगता है। तो इसे हम हाथों की मदद से इस तरह से पलटेंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से पलट जा रहे हैं और बहुत ही देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक टिक्कियों को तल लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमारे टिक्की जो है वो अच्छे से सिक गए हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे बचे हुए मिश्रण को हम गोल गोल टिक्की का आकार दे देंगे। है ना लाजवाब नाश्ता, बहुत ही कम समय में और बहुत ही लाजवाब टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बच्चे लोग को लंच में दे सकते हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट हमने नाश्ते को सर्व कर लिया है और मैंने यहाँ पर लाल चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ या कोई भी केचप के साथ इसे ले सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल में न्यू विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.